छोटे छोटे बच्चे जो ये मिठाई बेचते हैं, हवा हवाई मिठाई, धारा 144 लगा हुआ है फिर भी ये लोग बेच रहे हैं, कानून का कहीं ना कहीं उल्लंघन कर रहे हैं। क्योंकि हमेशा यहाँ पे बहुत भीड़, चहल पहल, अननेसेसरी लोग आते जाते हैं, और यहाँ पे जो धूल है, जो कि अभी आप बहुत क्लीन क्लीन लग रहा है, वो हमेशा इवनिंग के टाइम पे धूल हो जाता है, खाना पीना कचरा। अब मान लीजिए इतने सारे स्टॉल्स हैं तो यहाँ पे बहुत सारा मतलब कचरा वचड़ा होता है, जो कि अब नहीं हो रहा है। मोराबादी के इस अंगीठी में ताला लगा हुआ है, सिकर लगा हुआ है, ताकि कोई उठा के नहीं ले जा सके। और ये पिछले 3 दिन से है प्रशासन के उस फरमान के बाद, और इसी तरह की स्थिति पूरे मैदान में है, सभी दुकानों पर है, यहाँ पर सन्नाटा छाया हुआ सभी ओर, और लोग कहीं ना कहीं परेशान हैं, हैरान हैं कि दो वक्त की रोटी कैसे चले। दुकान भी चलाना है। मम्मी कहाँ है? मम्मी घर में। घर में है? हाँ। और आप लोग, आप यहाँ पे बैठे हो धरना पे? मुझे ला दो। हाँ, आज खाना खाया आपने? नहीं, नहीं खाया। अभी हम लोग का घर में खाना 3-4 दिन से नहीं बना हुआ है, तो कहाँ से बच्चा खाएगा? यहीं पर खिचड़ी जो बन रहा है उसी में खिलाएंगे, और क्या करेंगे। अभी बहुत स्थिति हम लोग घर का खराब हो गया है, सरकार को हम लोग को सोचना चाहिए। आज क्या स्थिति है, बच्चा भी ब्याह कर रहा है, आप देखिए रहे। अब सरकार को हम लोग को रोजी रोटी खुलवा देंगे तो हम लोग जियेंगे खाएंगे। अभी तक क्या कोई कुछ बोलने यहाँ आया? अभी तक कोई बोलने नहीं आया, खाली हम सुनते हैं आज गाड़ी आएगा, कल गाड़ी आएगा, आता है कोई गाड़ी नहीं, हम लोग यहीं बैठ के चले जाते हैं। स्थिति बहुत ख़राब होते जा रहा है, तो फिर सरकार को कुछ निर्णय लेना चाहिए। कमाई का और कोई जरिया? कोई जरिया नहीं है, हम लोग साफ बेरोजगार हो जाएंगे, भुखमरी के कगार पर। चंदा इकट्ठा करके किसी तरह खिचड़ी बना के हम लोग खा रहे और जी रहे हैं, समझ गए। अब वो भी पैसा नहीं है कि हम लोग अब खिचड़ी बना पाएंगे। जी क्या बोल रहे हैं? हम लोग 10-20 रुपये भरा करके चंदा रोड से कलेक्शन कर करके काम अभी यहाँ गुजारा कर रहे अभी किसी तरह से। कितने परिवार होगा लमसम, यदि हम पूरे दुकान को हम मान लें तो तकरीबन कितने परिवारों का घर चलता होगा इस दुकान से? हम दुकान पे 4-5 कम से कम 2000 से 2500 का दुकान परिवार का गुजारा यहाँ से चल रही है भैया। कितनी दुकानें होंगी? 300 का दुकान है, लगभग 300। और उसमें साथ में जो वर्कर काम करते हैं? जी कम से कम हर दुकान में 2-3 स्टाफ है कि हम लोग गुजारा कर रहे हैं। क्या कहेंगे आप, क्या कहेंगे? मैं देख रहा हूँ आप भी पहले दिन से यहाँ पे हैं, क्या चीज़ का दुकान है आपका? मेरा चाय स्टॉल है सर। अच्छा। यहाँ पे परसों दिन अचानक नगर निगम वाले आए, बोल दिए कि हटाओ यहाँ से दुकान, हटाओ। तो हम लोग बोले कि कहाँ लटाएंगे, तो नहीं यहाँ से हटाओ से। तो हम लोग बोले, तो फिर हम यही हम लोग धरना में सब बैठे हुए हैं कि हम लोग को दुकान खुल जाए, इसीलिए हम लोग सब धरना में बैठे हैं। तो खाना पीना यहीं बन रहा है? क्या करेंगे हम लोग, 10-10 रुपये चंदा करके हम लोग यहाँ सब खाना वाना बना के खा रहे हैं, रह रहे हैं धूप में, देखिए सूखे रहे हैं हम लोग सब। सरकार हम लोग का बात सुन ही नहीं रहे हैं। अब जो कांड किया है उसको तो पकड़ नहीं पा रही है। जी 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 जी, जो कांड किया है उसको तो पकड़ नहीं पा रही है। हम लोग पीछे पड़े हुए हैं, बताइए हम लोग दुकान चलाएंगे कि हम अपराधी पकड़ेंगे? जिसको पकड़ना है वो तो अपना कार्रवाई करे, हम लोग दुकान खोलने की इजाज़त दिया जाए। हम तो सरकार से एक प्रार्थना करते हैं कि आपके रहते हुए ऐसा हम लोग से अन्याय हो रहा है, इस पर कृपया करके हम लोग को दुकान खुलवाया जाए, हम लोग घर परिवार फिर से अच्छा तरह चल सके। हाँ, बाल बच्चे हैं, रेंट है, किराया है, ट्यूशन फीस है, सब हम लोग इसी से दुकान से चलता है।
आप हर रोज आइसक्रीम बेचते हैं? हर रोज आइसक्रीम बेचते हैं? नहीं। तो कभी कभार बेचते हैं। कभी कभार बेचते हैं। ठंडा का दिन है फिर भी आइसक्रीम का दुकान लेकर चले आए। आपको पता नहीं यहाँ पर धारा 144 लगा हुआ है और सब के सब दुकान को बंद करा दिया गया है। हाँ। नहीं, क्या वजह है, क्या मजबूरी है ऐसा जो आपको इस खाने वाला आदमी है? हाँ। गरीब आदमी है, कहाँ जाएगा? कोई तो रोजी रोटी अनपढ़ आदमी के चाहिए ना। इस ठंड के मौसम में भी आप आइसक्रीम लेकर निकले हैं, धारा 144 लगा हुआ है, तो कितना का बेच लेते हैं और कितना कमाई हो जाता है? कमाई नहीं हो रहा अभी, 100 रुपया। 100 रुपया? 100 रुपया में गुजर बसर हो जाता है, खाना पीना हो रहा है। अच्छा, और क्या होता है? देख सकते हैं कि 100 रुपये की कमाई के लिए धारा 144 यहाँ पर लगा हुआ है, फिर भी आइसक्रीम का ठेला लेकर निकला हुआ है ये रोज का दिहाड़ी कमाई करने वाला शख्स। और भी लोगों से मिलाएंगे और दिखाएंगे, बात करेंगे कि लोग किस तरह से परेशान हैं। यहाँ पर जब पार्क बंद है और मोराबादी की सभी दुकानें बंद करा दी गई हैं। मोराबादी दुकान बंद होने के बाद कुछ यंगस्टर यहाँ पर हैं, मोराबादी में शाम गुजार रहे हैं। आप लोग यहाँ पर किस लिए आए हैं अभी? सर जी, मैं तो रनिंग के लिए आता हूँ। मेरा रोज आप यहाँ आते हो? हाँ, मेरा डेली का सीन है। अभी पिछले 3-4 दिन से यहाँ पर आप देख रहे हैं कि सन्नाटा छाया हुआ है। एक्चुअली मैं पिछले एक सप्ताह से था नहीं, मैं बाहर गया था, तो आज ही आया हूँ, तो आज तो मैं देख रहा हूँ सारे शॉप्स बंद हैं। क्या लगता है, ये जो बंद होना अच्छा है या फिर पहले दुकानें जैसी खुली रहती थी वैसे ही खुली रहनी चाहिए? ये मेरे को लगता है बंद होना अच्छा है, बिकॉज इट्स अ ग्राउंड, इट्स नॉट अ गैदरिंग प्लेस, दैट्स व्हाई। क्यों अच्छा है? क्योंकि यहाँ पे बहुत सारे लोग गैदर करते हैं, इन द सेंस दे यूज टू गैदरिंग हियर। परेशानी क्या है? परेशानी है कि जैसे आप रनिंग कर रहे हो, कोई भी अचानक से बीच में बाइक से आता है या फिर फोर व्हीलर से आता है, तो वही। और क्या, मेरे को तो अच्छा लग रहा है। और भी इनके साथ ही हैं, इनसे बात करेंगे, बताएंगे यहाँ पर आप रोज आते हो, क्या क्या करते हो? यहाँ पे हम लोग शाम में इवनिंग वॉक और रनिंग के लिए आते हैं, और इससे पहले जब ग्राउंड खुला होता था जैसे लॉकडाउन से पहले, तो हम लोग ग्राउंड में उसमें ऑक्सीजन के अंदर में किया करते थे। हाँ। अभी लॉकडाउन हो गया है तो फिर से इसमें आते हैं, लेकिन अभी बंद है तो अच्छा। अच्छा, पार्क बंद है और अब यहाँ की दुकानें भी बंद कर दी गई हैं। जब दुकानें खुली होती थी तो चहल पहल होता था, आपके जैसे और दूसरे दोस्त यहाँ पर आते थे, मज़े करते थे, वो बेहतर था कि अब बेहतर है जब बंद हो गया है? देखिए, कोई भी चीज़ अगर बहुत ज़्यादा हो ना तो वो बेहतर नहीं होता, एक लिमिट होता, लिमिट भर में रहे तो बहुत अच्छा, अगर बहुत ज़्यादा होगा तब दिक्कत। क्या लगता है, बहुत ज़्यादा हो गया था? हाँ, बहुत ज़्यादा हो गया। उससे क्या परेशानी होती थी? उसमें बहुत ज़्यादा परेशानी थी आपको, एक तो पब्लिक जो, जैसे कि मान लीजिए ग्राउंड है, तो ग्राउंड पहले होता था कि इसमें हम लोग आके अंदर कर सकते थे, हम लोग को बाहर करना पड़ता था। हमारे ही लेने अगर हमारे यंगस्टर हमारे साथ आते हैं तो वो भी यही बेहतर चाहेंगे कि ये खुला रहे, ये साफ जगह रहेगा, अच्छे गैदरिंग नहीं होगा तो लगभग हम लोग एक्सरसाइज करेंगे और अच्छे, और जो बूढ़े बुजुर्ग लोग भी वो भी आएंगे तो थोड़ा उनके लिए बेहतर होगा, बहुत ज़्यादा गैदरिंग हो जाने से ये दिक्कत आती है। आप देख सकते हैं कि बीच मैदान में कुछ लोग वॉकिंग कर रहे हैं, शाम का समय है। बताएंगे कि आम दिन आप लोग यहाँ पर आते थे वो कैसा माहौल होता था, और अभी आप लोग यहाँ पर हैं सब कुछ सन्नाटा पसरा हुआ है, बेहतर कौन? नहीं, बेहतर तो वही था, बेहतर वही था, और ये माल तो बिल्कुल ही पता चल रहा है कि कुछ 144 लगा है, इस टाइप का कुछ है, कुछ गड़बड़ है। हाँ। मतलब बेहतर क्या था, पहले जब दुकानें खुली रहती थी चहल पहल होता था वो बेहतर था, कि अब जब दुकान बंद है सब तरफ सन्नाटा है और आप वॉक कर रहे हैं, क्या बेहतर है? नहीं, वही बेहतर था, बेहतर वही था। क्या उसमें बेहतर होता था? बेहतर उसमें लगता था चहल पहल है, कुछ है, अभी बिल्कुल लग रहा है कि निर्जीव है, मुर्दा है, शहर मुर्दा है, इस टाइप का लग रहा है। तो इस मुर्दा को जान कैसे डाला जा सकता है? वो सब तो सर आप बता सकते हैं। कि आप लोग क्या अक्सर यहाँ पर आते हैं? जी हाँ जी, हमारे घर यहीं पे है तो हम यहाँ पे आते हैं। कुछ दिन से ये सन्नाटा देख रहे हैं, पहले यहाँ काफ़ी चहल पहल होती थी, बेहतर कौन?
ये शांति वाला, इसीलिए यहाँ पे आए हैं, ये शांति वातावरण को अच्छे तरह से इंजॉय कर सके इसीलिए, क्योंकि हमेशा यहाँ पे बहुत भीड़, चहल पहल, अननेसेसरी लोग आते जाते हैं, और यहाँ पे जो धूल है, जो कि अभी आप बहुत क्लीन क्लीन लग रहा है, वो हमेशा इवनिंग के टाइम पे धूल हो जाता है, खाना पीना कचरा। अब मान लीजिए इतने सारे स्टॉल्स हैं तो यहाँ पे बहुत सारा मतलब कचरा वचड़ा होता है, जो कि अब नहीं हो रहा है। तो काइंड ऑफ ठीक है, मतलब देखिए अगर ये मोराबादी ग्राउंड है तो जिस पर्पज़ के लिए बना उसके लिए, स्टॉल के लिए मे भी गवर्नमेंट कुछ ऐसा कर सकते हैं जहाँ पे स्टॉल के लिए एक अलग से स्पेस बना सकते हैं, और वहाँ पे खाने वाने के लिए जो भी है, जो कि मोराबादी के रेडियस से हो, सब अपना आने जाने पे कर सकते हैं, क्योंकि सबका अलग अलग पर्पज़ होता है। अब रोड के सामने स्टॉल लगा देंगे तो आने जाने में भी प्रॉब्लम हो सकता है, तो देखते हैं गवर्नमेंट क्या करती है। क्या नाम है आपका? कंचन। और आपका क्या नाम है? कोमल। कंचन की बात से आप कितने एग्री हैं? 100%। अच्छा, तो आपको नहीं लगता है कि आपकी जो फ्रेंड है वो बोली जब अब बंद हो गया है, उनको तो अच्छा लग रहा है, लेकिन इस बंद होने से जो गरीब तबके के फैमिलीज हैं उनके घर का चूल्हा भी नहीं जल रहा होगा? तो जैसा कि इसने कहा कि लाइक गवर्नमेंट, जैसे कि उन्होंने एक एक्शन लिया कि ये सारे स्टॉल्स बंद हो जाने चाहिए, क्योंकि यहाँ पे बहुत ज़्यादा भीड़ होने लगा था, तो गवर्नमेंट को उस चीज़ के लिए एक और एक्शन लेना पड़ेगा कि इनको कोई जगह दे जहाँ पे ये मोराबादी के नियरेस्ट हो, ये अपना स्टॉल लगा सके। लाइक ये जगह इतनी शांत है, लाइक हम अभी ज़िंदगी में बहुत चहल पहल है, लाइक हर जगह बहुत शोर है, लोगों को एक शांति चाहिए, जो अभी ये पीस यहाँ पे है, तो गवर्नमेंट को उस चीज़ के लिए उनके लिए भी सोचना चाहिए, और उनको एक ऐसी जगह देनी चाहिए जहाँ पे वो अपना एक स्टॉल लगा सके, वो एक ऐसा एरिया होना चाहिए, लाइक वो मोराबादी में भी किसी साइड में किसी जगह पे सिर्फ एक स्टॉल का सेक्शन बना सकते हैं, लाइक काइंड ऑफ फूडिंग। छोटे छोटे बच्चे जो ये मिठाई बेचते हैं, हवा हवाई मिठाई, धारा 144 लगा हुआ है, फिर भी ये लोग बेच रहे हैं, कानून का कहीं ना कहीं उल्लंघन कर रहे हैं, लेकिन इन बच्चों के साथ क्या मजबूरी है ये जानेंगे। बाबू, ये सब लाते हो रोज, कितना तक कमा लेते हो? 200 तक। 200 तक, आज कमाई हुआ 200? आए नहीं भी बाजार है। अच्छा, कितना दिन से यहाँ बाजार नहीं है? बीफे से। अच्छा, तो तब तो बड़ा दिक्कत हो गया होगा। अब क्या करोगे, रोज इसी तरह से रहेगा तो दूसरा जगह जाएंगे बेचना।